अस्सलाम वालेकुम बीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर दाल के कोफ्ते करी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैंने मसूर दाल लिए हैं, 200 ग्राम दाल है। मैंने 2 से 2.5 घंटा मैंने भिगो के रखा हुआ था इसको। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, अब इसको हम पीस लेंगे बारीक। ये देखिए, हमने पीस लिया है इसको, इस तरह से पीसा हमने इसको। तो इसको अलग साइड करते हैं। और ये टमाटर और ये प्याज जो है, इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हम इसके अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए, मेरा हल्का सा हो गया है ये बरो। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये। अब ये टमाटर को हम हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे हल्का सा, बिल्कुल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 चम्मच बस। हम इसको ढक कर छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट, 2 मिनट तक। तब तक हमारा ये गलेगा। इतने देर में हम मसाला दाल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये डालेंगे थोड़ा सा। ये हल्दी पाउडर लेंगे हम थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम। काली मिर्च पाउडर हम पूरा भर के लेंगे, इससे थोड़ा सा और डालेंगे। ये जीरा पाउडर थोड़ा सा लेंगे इसके अंदर, आधे चम्मच लिया है मैंने। और 1 चम्मच भर के हम धनिया कूटा डालेंगे इसके अंदर, कूटा हुआ है ये। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच डाला है, थोड़ा डालेंगे इसके अंदर धनिया, कटा हुआ धनिया, हरी धनिया, ये डालेंगे इसके अंदर। ये जो हरी मिर्च है, ये हम सारा डाल देंगे इसके अंदर। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च काट रखा है। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हम थोड़ा इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो डालेंगे हम। ये बेकिंग सोडा लिया है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, जो थोड़ा सा है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हम देख लेते हैं हुआ कि नहीं हमारे। देखिए, सारा सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इसको ग्राइंडर मशीन में इसको हम पीस लेंगे सबको। गैस हम बंद कर देते हैं, ठंडा कर लेते हैं इसको। देखिए, सबको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे, पहले ठंडा कर लेते हैं इसको पंखे के हवा में। थोड़ा हम इसमें डालेंगे ये कूटा हुआ लाल मिर्च, कूटा हुआ है ये, दरदरा बिल्कुल। थोड़ा हम इसमें डालेंगे चाट का मसाला। अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं, सारे मसाले का अलग अलग खुशबू लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है ये। अब मैं इसको सबसे पहले फ्राई करूँगी, तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। इस तरह से हम डालते जाएंगे सबको। आप जो तीखा अपने हिसाब से बनाएं, मैंने थोड़ा तीखा ज़्यादा बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा है,
ये देखिए, हम देख रहे थे इसको, हमारा ये हुआ या नहीं हुआ इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसका, अच्छा बन गया है ये। इसी तरह से पलट लेंगे हम, ये हल्का सा और फ्राई होगा। ये देखिए हमारा ये हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ये तो हमारे सब्ज़ी में ये और ज़्यादा पकेगा। फिर ये भी हम डाल लेते हैं इसके अंदर। सबको ऐसे डाल देंगे हम, सब इसके अंदर सारा ऐसे डाल देंगे। देखिए हम इसको देख लेते हैं, हो गया ये, इसे भी हम ऐसे पलट लेंगे सबको इस तरह से। ये देखिए सारा हमारा पलट चुका है, इसे ही पलट देते हैं। गैस को हम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। ये देखिए हमारा ये भी हो चुका है, इसे भी देख लेते हैं, हो गया है सब। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है नहीं तो ये पकौड़े बन जाएंगे। मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं सबको निकाल देती हूँ अपने। ये देखिए मैंने सब निकाल लिए हैं, ये तब ये ठंडा हो चुका है, इसे हम पीस लेते हैं, बारीक करके पीसेंगे इसको बिल्कुल। हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा पीस चुका है, हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने पीस के इसको निकाल लिया है, टमाटर और प्याज है। अब हम गैस हमने ऑन कर रखा है, तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें हम डाल देते हैं ये खड़े मसाले। ये दो तेज़पत्ता लिया है मैंने, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये काली मिर्च है 10 से 12 दाने, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये है लौंग, 6-7 लौंग लिया है मैंने, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हल्का सा चटकने लग जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये देखिए प्याज डाल दूँगी मैं इसके अंदर। हम इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज हमारा ब्राउन होने पे आ गया है। ये वही तेल है जिसमें हमने ये पकौड़े छान के निकाले हैं, उसी तेल में बना रही हूँ मैं। हो चुका है ये, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच। हल्दी का कच्चापन हट जाता है इससे अच्छे से फ्राई कर लेने से। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच है ये। ये टमाटर और प्याज का जो त्योरी बनाया था हमने, ये डालेंगे इसके अंदर। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से भून गया हमारा ये। इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया है भर के,
ये है जीरा पाउडर, ये आधा चम्मच लिया है मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये आधा चम्मच है, इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखा लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने आधा चम्मच लिया है ये भी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ये हमारा अच्छे से भुन गया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत टेस्टफुल बनता है ये। डालूंगी दही, दही मैंने थोड़ा सा लिया है, गैस का फ्लेम मैंने लो कर रखा है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे क्रीम, ये मैं क्रीम डाला है थोड़ा सा, आप मलाई भी डाल सकती हैं इसके अंदर। देखिए हमारा हो चुका है ये, अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा तब मैं इसके अंदर ये कोफ्ते डालूंगी, उबाल आ गया है, इसके अंदर सारे कोफ्ता मैं इसमें डाल दूंगी। इसी तरह सारा डाल देंगे, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट से बनता है ये, फटाफट तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टफुल बन गया है। ऐसे ही आप बनाएं, गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें, खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ है ये, 2 मिनट ढक के रखेंगे इसको। ये देखिए हो चुका है 2 मिनट, देखिए बहुत ही अच्छा बन गया, बहुत टेस्टफुल बनता है ये। इसी तरह से आप भी बनाएं, सभी को खिलाएं, बहुत टेस्टफुल बनता है और झटपट से बन जाता है। को खिलाएं और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।